नमस्कार दोस्तों, एमएस ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आर्ट एंड क्राफ्ट की जो भर्ती थी 6/2006, तो वो रद्द करने के बाद अब दोबारा नए सिरे से एग्जाम हुआ है 31 जनवरी 2021 को। तो दोस्तों, ये एडवर्टाइज नंबर 6/2006 है, कैटेगरी नंबर 22 से है और नंबर ऑफ पोस्टें इसमें 816 थी। तो इसका एग्जाम हो चुका है और रिजल्ट भी जल्द ही जारी होने वाला है आपका। तो मेरे को लगता है कि अभी 3-4-5 दिन में अभी आने वाला है रिजल्ट और जल्दी आपकी ज्वाइनिंग भी करा दी जाएगी। तो रिवाइज फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए मैं 225 में से अभी मैंने वीडियो बनाई है। पहले जो वीडियो आई थी पहले, तो मैंने 100 में से वो बनाई थी, तो ये 225 में से आया इंटरव्यू मार्क्स ऐड होने के बाद। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद ना आई हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हो और आप अपने मार्क जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कितने कट ऑफ आती है, और उसके बगैर तो हम कट ऑफ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, ये तो आप लोगों को पता है। तो मैं मार्क्स जरूर उसमें कमेंट करें, ज्यादा कमेंट करें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो जो जनरल कैटेगरी, इसके लिए 50% क्वालिफाइंग मार्क्स रखे, यानी 100 में से जिसके, यानी 200 से मैं अगर बात करूं, मैं 100 है और 100 से ऊपर है वो सारे के सारे एलिजिबल है। और मैं 100 में से बात करूं तो जो 50 है, 50 और 50 से ऊपर वाले सारे के सारे, जिसके 50 क्वेश्चन और उससे ज्यादा ठीक है, तो वो सारे के सारे एलिजिबल है इसमें, इंटरव्यू के लिए नाम आएगा। ऐसे एससी और बीसी की बात करूं, 45% दे रखा है, यानी 40 जिसके क्वेश्चन 45 और 45 से अब क्वेश्चन ठीक है तो सारे का इंटरव्यू होगा। और ईएसएम की बात करें तो 40% है, जिसके 40 और इससे ज्यादा क्वेश्चन ठीक है तो उन सभी का इंटरव्यू आएगा। तो इंटरव्यू आने के बाद आपको पता चल जाएगा कितने क्वालिफाई हुए कैंडिडेट, उससे आप और ज्यादा कट ऑफ का वो अंदाजा लगा सकते हो। तो रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आ जाएगा। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं 225 में से फाइनल रिवाइज कट ऑफ की बात करता हूँ। तो जनरल की बात करूं मैं, 130-240 जाने वाली है इसकी कट ऑफ। फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, 130 से 140 के बीच ही जाने वाली है। बीसीए की बात करूं 122 से 130, बीसीबी 124 to 134, और एससी की बात, एससी और एसटी की 112 से 122 मार्क्स। ये जो ईडब्ल्यूएस की तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, वो जनरल के बिल्कुल करीब ही आती है वो। तो दोस्तों, जो 14,000 के आसपास लोगों ने एग्जाम दिया है, 65% के आसपास कैंडिडेट मौजूद थे। अगर हम हर रूम की बात करें तो 60% के आसपास जो कैंडिडेट थे वो प्रेजेंट थे, कई में ज्यादा भी हो सकता है और कई में कम भी हो सकता है। तो एवरेज में बात करूं 65% प्रेजेंट थे। तो दोस्तों, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग, और मैं होप करता हूं कि आपका रिजल्ट अच्छा आए। तो धन्यवाद, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें।